इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले के 45 सरकारी और निजी अस्पतालों में संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए 30% बिस्तर आरक्षित रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में एपिडेमिक एक्ट के तहत इन अस्पतालों को ये आदेश दिए गए हैं कि वे अपने अस्पताल की क्षमता के अनुसार आधे से कम बिस्तरों को कोरोना मरीजों के लिए खाली रखेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलना शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में 603 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस इंदौर और भोपाल में मिल रहे हैं। 2021 में सबसे ज्यादा केस एक दिन में 11 मार्च को इंदौर में 219 और भोपाल में 138 केस मिले। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने के ओमेक्स हिल्स में आधी रात को एक इंजीनियर के घर में डकैती का मामला सामने आया है। मेन गेट का ताला तोड़कर घुसे हथियारबंद बदमाशों ने घर के भीतर दाखिल होते ही परिवार के एक एक सदस्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन्होंने परिवार से नकदी और जेवर मांगे। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को रतलाम जिले में कार्रवाई की। जावरा नगर पालिका CMO नीता जैन और राजस्व निरीक्षक विजय शक्तावत को दफ्तर में रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास से रिश्वत के 18,500 रुपए भी मिले। नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय के तहत 3300 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हितग्राही मूलक योजनाओं के कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत लगभग 500 करोड़ रुपए के कार्य विभिन्न निकाय में स्वीकृत किए गए हैं, जिनका शिलान्यास किया गया। सुहागी में एक भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। पहले आरोपियों ने उन्हें गोली मारी, जमीन पर गिरते ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। परिजन और आसपास के लोग आए तो आरोपी भाग निकले। भाजपा नेता की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। हत्या की वजह 15 साल से चल रहा जमीनी विवाद है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार सुबह मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही बादल छा गए हैं, कई जगह रिमझिम बारिश भी हो रही है। वहीं सिवनी जिले के लखनादौन के गांव में गुरुवार शाम बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। बालाघाट से इंदौर जा रही वर्मा ट्रेवल्स की बस गुरुवार देर रात अंधे मोड़ पर छिंदवाड़ा के मैनीखापा के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 27 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को नागपुर रेफर किया गया है।